औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन है और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8628 है। और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट है। और मैं मोहम्मद सबला खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, वो है द असेसमेंट प्रोसेस इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द साइंस एजुकेशन सिस्टम टू ऑल कंसर्न्ड विद साइंस एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें अहम तरीन जो है साइंस एजुकेशन है जो इस आगे हम चलते हैं। ये जी असेसमेंट प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज प्रोवाइड ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इसकी असेसमेंट की जाती है, फिर यानी कि इसे समझा जाता है। फिर जी असेसमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक मल्टी स्टेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा थ्रू रिलायबल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट टूल्स। यानी कि इंस्ट्रूमेंट टूल्स के हिसाब से इसे असेस किया जाता है। फिर जी डिवेलपिंग वैलिड एंड रिलायबल असेसमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स इज़ कम्प्लेक्स एट द बेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, यानी मुश्किल मामला होता है जिससे असेसमेंट की जाती है। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं, हमारे पास आ रहे हैं जी लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के, वो क्या हैं जी। डिस्क्राइब रोल ऑफ असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन, हम डिस्क्राइब करेंगे असेसमेंट को साइंस एजुकेशन के अंदर। फिर है जी कंस्ट्रक्ट गुड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, फिर हम असेस करेंगे गुड असेसमेंट इंस्ट्रक्शन। फिर है जी एनालाइज प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, फिर हम एनालाइज करेंगे असेसमेंट प्रोसेस को। फिर है नंबर 4 पे इवेल्यूएट लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, फिर हम बताएंगे इवेल्यूएट करने की लिमिटेशन कौन सी हैं असेसमेंट इवेल्यूएशन के असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। आए स्टूडेंट पकड़ आगाज करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रोल ऑफ असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन, क्या रोल है असेसमेंट का इन साइंस एजुकेशन में, वो क्या है। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड कैन डू, क्या स्टूडेंट कर सकते हैं और क्या नहीं। फिर जी एडमिनिस्ट्रेटिंग अ पेपर एंड पेन टेस्ट एट द एंड ऑफ अ लेसन टू एवेल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोवाइड वन मेजर एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यानी कि हम स्टूडेंट्स जिसमें क्या जी एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर को पेन या पेंसिल से करते हैं, जिसमें हम लेसन्स लेते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं कि स्टूडेंट की क्या अचीवमेंट है क्या नहीं उसे मेजर करते हैं। फिर जी एट अ टीचर मस्ट फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिफोर प्लानिंग फॉर द असेसमेंट, क्या प्लानिंग करनी है असेसमेंट की, उस पर क्या नंबर 1 में वट इज़ द पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की वजह क्या है। फिर वट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, क्या इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज, क्या जरूरत पेश आई इस इंफॉर्मेशन। फिर जी वट मैथड्स विल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, क्या मैथड है प्रोवाइड करना इस इंफॉर्मेशन की। फिर हाउ विल द रिजल्ट बी इंटरप्रिटेड एंड यूज, कैसे इंटरप्रिटेट करना है और कैसे यूज़ होना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं जी, ये है जी टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये क्या है आ कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसमें क्या है 3 किस्मों की असेसमेंट होती है। यानी कि दे आर इम्प्लीमेंटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन लेसन, यानी डिफरेंट लेसन में उनका इस्तेमाल होता है। फिर जी ट्रेडिशनल असेसमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ सबमेटिव असेसमेंट, यूजली इन्वॉल्व मल्टीपल चॉइसिस ट्रू फॉल्स शॉर्ट आंसर और ऐसे क्वेश्चन। यानी कि जो है इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स करना, शॉर्ट आंसर होना या ऐसे क्वेश्चन होना। फिर है जी नॉन ट्रेडिशनल में जी है हमारे पास इसमें असेसमेंट यूज एडिशनल अप्रोचेस सच एज पोर्टफोलियो परफॉर्मा बेस इवेल्यूएशन टाइम सीरीज डिज़ाइन असेसमेंट प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन असेसमेंट एंड कंसेप्ट मैपिंग। यानी कि नॉन ट्रेडिशनल में ये इन किस्मों की चीज़ें आती हैं। आगे जी नॉर्म्स, फिर रेफरेंसेस्ड, फिर है जी कार्टेशियन रेफरेंसेस्ड। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं, ये हमारे पास है मॉडल्स मॉड्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। देयर आर द फॉलोइंग मॉड्स ऑफ असेसमेंट, वो कौन से हैं जी, एक फॉर्मेटिव होता है वर्सेस सबमिटिव होता है। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स इन द शॉर्ट टर्म एज लर्नर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग of new content and of integration it into what they already know, क्या वो जानते हैं इसके बाद इसके इसको लेके जो assessment की जाए। फिर है जी continuous versus terminal और final, यानी continuous एक assessment होती है और एक terminal होती है, यानी कि final एक वक्त मुकर्रा पे एक assessment की जाती है। यानी कि
कि वो एक फाइनल फेज पे होती है, और ये जो है जैसे लिखा है फाइनल पे होती है, और ये कंटिन्यूस यानी कि रोज़ बर रोज़ या हफ्ता ब हफ्ता होती है, तो इसकी भी असेसमेंट की जाती है जी। कोर्स वर्क वर्सेज एग्जामिनेशन। कोर्स वर्क वो है जो आपका कंप्लीट किया जाता है एक सेमेस्टर में होता है, एग्जामिनेशन होता है जैसे कि साल भर का एक एग्ज़ाम है जैसे FAFSC, इसको किया जाता है यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स, तो उसे असेसमेंट हम कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स जी की है जी प्रोसेस वर्सेज प्रोडक्ट असेसमेंट। ये क्या है जी, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आर इंटीमेटली रिलेटेड, देयर वुड बी नो प्रोडक्ट विदाउट प्रोसेस, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोसेस के बिना हो ही नहीं सकता, इसे दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। आगे जी असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ईजी देन असेसमेंट ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जो 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 असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट है वो आसान है, आसान तरीन है बनिस्पत जो है प्रोसेस के। फिर इस पर नंबर वन पे डाम प्रोसेस कैन बी असेस्ड बाई यूजिंग क्या है जी, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल से ये नापा जाता है। फिर इंट्रैक्शनल स्केजूल, इंट्रैक्शन स्केजूल से नापा जाता है। फिर सेल्फ रिपोर्ट डिवियन से और एक्यूमोडेट रिकॉर्ड से ये इसको जज किया जाता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट। ये क्या है जी, व्हाट वेन टू असेस व्हाट, क्या असेस क्या करना है, ये इस चीज़ का ख्याल रखता है। फिर सेलेक्ट द चिल्ड्रन, किसी बच्चे को रेंडमली चूज़ किया जाता है और उसको उसको जज किया जाता है कि वो उसको सही असेस के क्या कितने पानी में वो है पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। फिर यूज़ द चिल्ड्रन टू हेल्प, कैसे चिल्ड्रन मदद करते हैं। फिर द नेचर एंड यूज़ ऑफ इन, यानी नेचर उसकी क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, यानी वो किस बैकग्राउंड से। फिर वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी यानी वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल आर टेस्ट मैयर, वट इज़ परपोज टू मैयर, किस चीज़ के अंदर मैयर किया। फिर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इसमें कि फेस वैलिडिटी, शक्ल सूरत किस तरह की। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फिर है कार्टेशियन रिलेटेड वैलिडिटी, फिर है फॉर्मेटिव रेलिडिटी, और फिर है सिंपल सैम्पलिंग वैलिडिटी के सैंपल के हिसाब से। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी रिलायबिलिटी में। ये रिलायबिलिटी रेफर टू वेदर एन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट गिव द सेम रिजल्ट ईच टाइम इट इज़ यूज इन द सेम सेटिंग विद द सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यानी सेम सेटिंग सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट में किस तरह से जो है रिलायबिलिटी है इसको हम देखते हैं, जिसकी टाइप्स ये हैं। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, नंबर वन है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, एक बार टेस्ट किया फिर से टेस्ट किया रिलायबिलिटी चेक की। फिर अजी नंबर टू पैरेलल फॉर्मल रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्मल रिलायबिलिटी। फिर अजी इंटर रेट रिलायबिलिटी, फिर है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, यानी कंसिस्टेंटली मुसल सर उसमें चेक किया जाता है। फिर अजी नंबर फाइव पे एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन, एक कोरिलेशन यानी कितना कोऑर्डिनेशन बन रहा है एक दूसरे जिन दो चीज़ों पे हम चेकिंग कर रहे हैं। आगे स्टूडेंट है जी लिमिट्स ऑफ असेसमेंट्स, लिमिटेशंस के असेसमेंट की, वो ये है असेसमेंट आप पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक पोलिटिकल एक्टिविटी से जो है आपकी असेसमेंट ख़राब हो सकती है। फिर असेसमेंट है एंड क्लासेस, यानी क्लास पे कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है। फिर असेसमेंट में क्या है जी मेयर ऑफ ट्राइवल्स, उसमें भी गलती हो सकती है। फिर असेसमेंट एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर आपका कम लग गया है जितना रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से भी जो आप रिजल्ट है वो आपके सही नहीं आ पाते, ये भी लिमिटेशन है। फिर असेसमेंट एंड स्कूल कोरिकुला, यानी करिकुलम आपका जो है वो कितना पानी में, ये भी जो है इससे भी असेसमेंट कभी कभी हमारी गलत हो। फिर है असेसमेंट एंड नाइक ऑफ टेकिंग टेस्ट, कैसे टेस्ट ले। फिर है असेसमेंट इज अनरिलायबल, कैसे असेसमेंट जो है वो अनरिलायबल है इसको भी चेक करते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये हमारे पार्ट है की पॉइंट्स, इसमें ये नंबर पे असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड कैन डू, क्या स्टूडेंट्स कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इसके बारे में ये असेसमेंट की जाती है। फिर नंबर टू पे असेसमेंट इन विच स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इवेल्युएट साइंटिफिक इंक्वायरीज, यानी कैसे असेसमेंट की जाती है जिसमें स्टूडेंट्स का देखा जाता है क्या इंक्वायरी उनकी इवेल्युएट की जाती है, क्या वो साइंटिफिक है या नहीं। फिर नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट आर अ गुड वे टू कंपनसेट फॉर एनी मिस्टेक दैट माइट बी मेड इन डिज़ाइनिंग द मेजरमेंट टूल, यानी एक डिज़ाइन के साथ मेजरमेंट टूल का किया जाता है इसको भी देखा जाता है। तो फिर हमारे लिए हमारा चैप्टर नंबर वन इख्तिताम पज़ीर होता है हमारे BEd का कोर्स नंबर 8628 जो था, ये इसका ये इसका
ये हमने स्टार्ट किया है। और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करो, जो सपोर्ट करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो फिर अमान ला, मुझे दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी ना हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।